लाइक इट वॉज नॉट दैट, जैसे कि पहले आता था वैसा नहीं था. कुछ कुछ जो थे वो बहुत ही एनालिटिकल पूछते थे. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, उन्होंने इस बार डायरेक्ट नहीं पूछा था, दे आस्क द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसको कैसे इम्प्रूव किया इंडिया ने. और एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ही टफ थे. राजस्थान वॉज मॉडरेट, एनी वन कैन आंसर इट वेरी इजिली. अकाउंट एंड ऑडिटिंग वॉज डायरेक्ट, देर वॉज नो क्वेश्चन कि हाँ आप कोई आंसर ही ना कर सको. अकाउंट एंड ऑडिटिंग वॉज डायरेक्ट. एंड लाइक मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ बॉक्स तो ऐसे कुछ नहीं था, पर हाँ एंशियंट हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन रह गया था जहाँ ये लग रहा था कि बस मतलब कुछ भी पढ़ लो, सुना ही नहीं था. वो टर्म्स ऐसी थी कि कभी सुनी ही नहीं थी. आपका नाम? मेरा नाम मीनू वर्मा. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि परीक्षाओं का आयोजन समयबद्ध हुआ. पेपर काफी अच्छा था, काफी स्तरीय था, आरएस के अकॉर्डिंग था और काफी अच्छा पेपर हुआ है. बस था और अकॉर्डिंग एज पर आरएस के लेवल का ही पेपर था और मीडियम और अच्छा पेपर. पेपर सरल था वैसे तो, और अगर किसी ने पढ़ाई की तो वो अच्छे से कर सकता है. नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं था, राजस्थान से कम आया था, लेकिन अच्छा था पेपर. हाँ जी, मैं आरएस मुख्य परीक्षा का ये पेपर दे के आया हूँ. इसमें विश्लेषणात्मक पेपर था, टेक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे. ये आरपीएससी ने इस बार जो पैटर्न चेंज किया है वो बहुत ही अच्छा किया है. और इस बार पैटर्न में ये जो पैटर्न चेंज किया है ये विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए भी सही रहेगा जो रटन करके या रटत करके जो करते हैं उनके हिसाब से नहीं रहेगा. ये बिल्कुल एक नॉलेजेबल पेपर रहेगा. धन्यवाद. मेरा नाम अंकित यादव है. पेपर ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, मेरे हिसाब से तो नहीं था. एक अनुभव इस एग्ज़ाम में जीत दिलाएगा. ये एग्ज़ाम लिखने की कला का हमें योगदान, पूरा योगदान निछावर करने का हमें जिम्मा सौंपता है और ये लिखने की एक कला ही हमें एकदम जीत दिलाएगा इसके अंदर. पेपर बहुत ही शोधपूर्वक तकनीकी, आज की जो तकनीकी आधुनिक तकनीकी के हिसाब से बहुत अच्छा लिखावटपूर्ण पेपर आया था. ये दिनेश कुमार, राजस्थान टॉप.